दोस्तों पर्यावरण मित्र होते तो सांप को मारे नहीं, सांप की दुनिया को समझे। आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग सांपों को मारे नहीं, क्योंकि ये पर्यावरण मित्र होते हैं। और कहीं भी अगर ऐसे सांप मारते हुए किसी को आप देखते हैं तो तुरंत उसके ऊपर FIR दर्ज करवाएं, या फिर किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप कॉन्टेक्ट करके वो आदमी को पकड़ा दें, क्योंकि सांप मारना वाइल्ड लाइफ एक क्राइम है दोस्तों। इसीलिए सांप को मारे नहीं, सांप की दुनिया को समझे। सांप हमारे लिए शत्रु नहीं है, इसे बचे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के आप अंत तक दोस्तों बने रहें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुजय स्नेक सेवर यूट्यूब चैनल को। तो देखिए किस प्रकार से एक महाराष्ट्र से हमारे पास वीडियो आया हुआ है, एक इंडियन रेड स्नेक का, किस प्रकार से ये बेजुबा को मार दिया गया है। थोड़ा सा भी जहरीला नहीं है, देखिए अभी भी जिंदा है। तो ऐसा कहीं भी अगर सांप देखते तो सांप हमारे दोस्तों पर्यावरण मित्र होते तो सांप को मारे नहीं, सांप की दुनिया को समझे, क्योंकि इसे ये कोई खति, जब तक आप इसे छेड़ोगे नहीं तब तक ये आपको कुछ करेगा नहीं। देखिए किस प्रकार से मार दिया गया है। किसी को भी कभी अगर सांप मारते हुए देखते हैं आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करके वो आदमी को पकड़ा दें, क्योंकि सांप मारना गलत काम है। फिर से इंडियन इंग्लिश इंडियन रेड स्नैक, हिंदी धामन, बांग्ला दड़ास के नाम से इसे जाना जाता है। कुछ भोजन भी किया हुआ था, देखिए देखिए अभी तक जान बचा हुआ है। करीबन 8 फीट का। ये एक वाइल्ड लाइफ क्राइम है सांप को मारना। हम लोग सांप को बचाने के लिए काम करते हैं, इसलिए दोस्तों आप कहीं भी अगर सांप निकलता है तो स्नेक सेवर को कॉल करें, ना कि सांप को मार डाले। मार ही डालना प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं हो जाता है।